योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हुआ है और सरकार का एक साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुन। सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर परस्पर समन्वय और संवाद के माध्यम से उसे प्राप्त किया है। तो सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौजूद, एक साल में सरकार की उपलब्धियां योगी गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश लगातार किस तरह से अग्रणी रहा है, किस तरह से वहां विकास की बयार बह रही है और कैसे उत्सवों को मनाया जा रहा है, इस पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ, एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा। मेडिकल कॉलेज हो या युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर विकास करना हो सड़कों का या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, इसके अलावा एमओयू रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना हो या फिर एक्सप्रेसवे संचालित या 5 निर्माणाधीन इसी तरह के माफियाओं अपराधियों पर कार्रवाई करना हो, उन तमाम चीजों का रिपोर्ट कार्ड सौंपा जा रहा है कि कितना कार्य किया गया है। हालांकि ये कार्य अनवरत अभी भी जारी है, लेकिन अभी एक साल जब पूरा हुआ है योगी सरकार को, तो उस योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में कितनी उपलब्धियां हैं, उन तमाम चीजों को जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखा जा रहा है। 100 कमाल एक साल, तो एक साल में किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विभाग में लोगों से जुड़े हुए हर मुद्दे पर काम किया गया है। तो पूरी तरह से विद्युत आपूर्ति 24 घंटे मिलना, घर में, हर घर में जल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सुविधा, मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा अभी भी कुछ मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है उस पर काम करना, युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना, सड़कों का निर्माण करना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसके द्वारा रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही साथ यूपी का विकास हो, इन तमाम चीजों को इस रिपोर्ट कार्ड में रखा गया है। तो ये योगी सरकार एक बार फिर से, हालांकि पहले भी बीजेपी की सरकार थी और एक बार फिर से पिछले साल जब योगी के कार्यों को लेकर बीजेपी सरकार ने जिस तरह से कार्य किया हो और माफिया पर जिस तरह से कंट्रोल रहा है, यूपी में क्राइम कंट्रोल किया गया है, उनको लेकर जनता ने खुश होकर एक बार फिर से रिपीट इस सरकार को किया था और अब इस सरकार ने एक साल पूरा होने पर जनता के बीच अपनी सारी उपलब्धियां रखी हैं कि किस तरह से, चाहे वो बच्चियां हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो फिर रोजगार से देने जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उन तमाम चीजों पर कार्य किया गया है। साथ ही साथ यूपी के विकास को भी ध्यान में रखा गया है, यूपी में किस तरह से और ज्यादा इन्वेस्ट आए, कैसे जो उद्यमी हैं वो यूपी की तरफ आकर्षित हों और वहां पर लगातार कार्य हो, विकास हो, उन चीजों को ध्यान में रखकर ये जो विकास है उसकी तरफ बढ़ता हुआ यूपी नजर आ रहा है और उसी पर अब उसी का रिपोर्ट कार्ड अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंप रहे हैं जनता को, जनता को बता रहे हैं कि कैसे यूपी में आप सुरक्षित भी हैं, माफियाओं का डर, खौफ खत्म हो रहा है और अगर किसी तरह से उपद्रव या किसी तरह से भी ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जो समाज के विरुद्ध हो, उन स्थितियों में उन अपराधियों को, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इन सबके बीच में यूपी में एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई वो था बुलडोजर। बुलडोजर से जिस तरह से कार्रवाई की गई वो पूरे देश में प्रसिद्ध भी हुई। वृद्धावस्था पाने वाली, पेंशन पाने वाली महिलाओं, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना केवल पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश
वर्तमान में उपलब्ध करा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर तमाम अभिभावक इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि बिटिया विवाह योग्य होगी, क्या होगा, बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। आज 14 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित किया गया है और प्रदेश के अंदर बिटिया की पढ़ाई पूरी होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उस बेटी की शादी के लिए शासन के सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। 2.25 लाख से अधिक बेटियों की शादी ब्याह से संपन्न हो गया, लगातार इस पे कार्य चल रहे। महिला स्वयंसेवी समूह एक नए मॉडल के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। महिला और बाल विकास विभाग के पोषाहार योजना को हर कुपोषित परिवार तक पहुंचाने का कार्य और उनके स्वयं के प्लांट हर ब्लॉक खंड स्तर पर लगाए जा रहे हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सम्मान के एक आदर्श के रूप में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। युवाओं को आसानी से नौकरी भी मिल सके, वे आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी हो सके, उनके द्वारा स्वतः रोजगार को भी आगे बढ़ाने का प्रयास हो सके, उत्तर प्रदेश आज अपने एमएसएमई को जिस रूप में प्रमोट किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में और दुनिया में एक नई धूम मचा रहा है।